असेंबली इंतखाबात के रुझान सामने आने के बाद से ही लगातार बीजेपी कारकुनान में एक खुशी का माहौल बना हुआ है। ज्यादा करीब से आपको बताने के लिए हम आपको इस वक्त लेकर आए हैं बीजेपी दफ्तर जयपुर राजस्थान में। यहाँ भी एक खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा सकता है। चंद कारकुनान से इस मुतल्लिक बात करते हैं। ये जो परिणाम है ये योगी जी का काम बोल रहा है और उत्तराखंड में भी और गोवा में भी ये मोदी जी और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है इनकी जीत है और इन्होंने पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ जनता के साथ एक जुड़ाव किया है जिसका परिणाम आपको इस रूप में देखने को मिल रहा है। जयपुर के कार्यकर्ता कितना खुश है इस बात से? जयपुर के कार्यकर्ता भी बहुत खुश हैं क्योंकि जयपुर से भी काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान उत्तराखंड में गए थे और पूरा सहयोग किया था और जितना हो सके संभव प्रयास किया था, तो इसलिए जयपुर के कार्यकर्ता भी उतने ही खुश हैं और संगठित हैं और समर्पित हैं क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव आने वाले हैं, तो इसको देख करके ये ऊर्जा और उत्साह बना रहे ये भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी भी है। ऐसा माना जा रहा था कि भाजपा लहर राजस्थान में धीमी पड़ी, आगामी साल चुनाव है, जो यूपी में हो रहा है कुछ वैसा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। राजस्थान के अंदर जो युवाओं की स्थिति है, महिलाओं के प्रति अपराध की जो स्थिति है, उससे यहाँ की जनता भी त्रस्त हो चुकी है और निश्चित रूप से भाजपा के जो संगठन है, भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता है जो कि संघर्ष कर रहे हैं लगातार इस बात के लिए, और इसकी वजह से 2023 में जो विधानसभा के चुनाव है उसमें निश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारा सिलसिला जब आज जयपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचा तो एक ऐसे कार्यकर्ता हमें नजर आए जिनका जुनून, जिनका जोश, जिनका जलवा देखते ही बनता था। इनसे हम बात करें कि कितनी ज्यादा खुशी इनके चेहरे पर इस समय हो रही है। सबसे पहले बोलूंगा जय श्री राम। आज अयोध्या नगरी वाकई में यह लग रहा है कि राम राज्य वापस से स्थापित हो गया है, क्योंकि मंदिर से पहले अलग बात थी लेकिन मंदिर के बाद में जनता ने स्वीकार कर लिया है कि यहाँ पे राम राज्य ही था, राम राज्य ही रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी हार नहीं मान रही, उनके ट्वीट लगातार आ रहे हैं कि अभी हौसला रखो, अभी हौसला रखो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी के पार्टी के मुखिया ने टिकट बनवा रखी है, वो ये कह रहे हैं कि कल सुबह जाऊंगा या शाम को जाऊंगा, जाऊंगा जरूर, मेरी पैकिंग तैयार है। तो समाजवादी की अभी एक उम्मीद जगा रहे हैं जबरदस्ती की, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। लगता है कि जब शाम 7 बज जाएगी उसके बाद बीजेपी को नहीं ईवीएम को घेरा जाएगा, ऐसा लगता है कार्यकर्ताओं को? देखिए ईवीएम को घेरो, कहीं भी घेरो, आप पंजाब में घेर लो, चारों स्टेट में घेर लो, लेकिन जनता को सब पता है कि क्या है। सारे चैनलों ने पहले ही बता दिया कि 4 राज्य जीत रहे हैं, तो हो सकता है वो कल को ये कहेंगे कि हमने मीडिया को भी खरीद रखा है, ईवीएम को हैक कर रखा है। अब कुछ ना कुछ तो जनता को बोलना पड़ेगा उनको। आगामी साल चुनाव राजस्थान में भी है, कार्यकर्ता इतने जोश में, फायदा मिलेगा इस चीज का? बिल्कुल मिलेगा, ये राजस्थान में शुरुआत है और सबकी यही थी नजर कि जिस तरीके से यूपी का चुनाव बैठेगा उसी तरीके से पूरे भारत की राजनीति चलेगी। अब तो राजस्थान तो बहुत छोटा है, मैं कहता हूँ यूपी के सामने, और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे हम लोग। और ये कहता हूँ गहलोत साहब को और पायलट साहब को, हम लोग इनोवा में बिठाएंगे, इनोवा के जितने ही एमएलए आएंगे उनके पास। एक बार अपनी खुशी व्यक्त कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए जिस तरह आप पहले कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि जय श्री राम। नगर से आया हूँ और इंडो पार्क बॉर्डर के पास मेरा रावला मंडल है। नहीं, मैं रात निकला था इस में शामिल होने के लिए और मेरा लक्ष्य था, मेरी 295 सीट की शर्त लगी हुई थी, 295 सीट, और लगभग हम लक्ष्य अचीव कर रहे हैं और हमें ये पूरा आत्मविश्वास था भाई यूपी में हम प्रचंड बहुमत से 300 के पार जाएंगे, और इसी का नतीजा है। फुल आत्मविश्वास के साथ हम इस जश्न में शामिल हुए। मैं रात रवाना हुआ था, भारत पाक सीमा पर मेरा काम है, गंगानगर का रहने वाला हूँ,
और भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा, समर्पण, विश्वास और आने वाले टाइम में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा, इसका हमें और भारतीय जनता को पूरा विश्वास। फाइनल था, फाइनल 101% आना ही है, योगी जी ही आएंगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो मानो पहले पंडा जी देख के हम हमारे देश का कार्यकर्ता तैयार है, बिल्कुल इससे हम विश्वास था, इसलिए हम प्रदेश करने आए हैं। योगेश रजवाड़ा जी साथ समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनके बारे में सिर्फ बताना चाहूंगा 150 अलग अलग आवाजें निकाल सकते हैं, जिनमें अभिनेता है, राजनेता है, उनमें काफी शामिल। आज सबसे ज्यादा अगर किसी के दिल पर छुरी चली होगी तो माननीय अशोक गहलोत जी होंगे, जो डंग छूटा है उत्तर प्रदेश से, राजस्थान की बॉर्डर उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं लगती है, तो असर राजस्थान में सबसे गहरा होने वाला है। आज क्या अलग हो रही दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर निकलता है, तो 24 का भी रिजल्ट आज आ ही चुका है। ओके, और ये कहूंगा अशावली सारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इस समय कोई ज्यादा ही कहीं ना वाले तो सब जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मतलब प्रदेश की जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो काम अच्छा करे आप वोट उसी के। बहुत सारे कार्यकर्ताओं से हमने बात की, कुछ तो ऐसे थे जो रात को ही घर से निकल गए थे बिना रुझान देखे, बिना एग्जिट पोल पे विश्वास किए, उन्हें लगता था कि बीजेपी ही आने वाली है उत्तर प्रदेश में। जश्न का माहौल आप देख सकते हैं, पीछे लगातार ढोल बज रहे हैं, कार्यकर्ता जमा है, गुलाल के साथ होली खेली जा रही है, बल्कि होली काफी दूर है, लेकिन आज होली बीजेपी की हो चुकी है। कैमरामैन अनु दहिया के साथ मैं रघु हेमंत कांत।